जींद में सरकारी कार्यालयों में आज सभी ऑनलाइन कार्य रहे ठप। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के बैनर तले जींद में आज सभी कंप्यूटर ऑपरेटर इकट्ठा हुए और सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी कंप्यूटर ऑपरेटर धरने पर बैठे रहे। तहसील कार्यालय, नगर परिषद व सरल केंद्र के बाहर काम करवाने वालों की भीड़ लगी रही। कंप्यूटर ऑपरेटर की मांग थी कि सेवा नियम में संशोधन करते हुए विस्तृत सेवा निगम NHMSSA एक की तर्ज पर जारी किया जाए, 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, DITS का केंद्रीयकरण करते हुए बजट का प्रावधान किया जाए, हरियाणा सरकार द्वारा जारी IT पॉलिसी का लाभ जारी रखा जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ जिंदाबाद। कंप्यूटर प्रोफेशनल सब चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। PMS की क्या पहचान? क्या समस्या हो रही है? PMS की क्या पहचान? क्या समस्या हो रही है? हमारा भाईचारा जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूमि पे सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो कहीं सभी को यही डर है, लेकिन हमारे जींद में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने हमारे जो बायलाज थे उनके विषय में डी साहब के मार्फत सरकार को ज्ञापन दिया है कि हमारे बायलाज जो 2018 में CM साहब ने अनाउंस किया था उनको संशोधन के साथ जारी किया जाए। जो जारी किए गए हैं वो अधिकार उच्च अधिकारियों ने अपने अपने फेवर में करके बाकी सभी कर्मचारियों को इसे दूर रख दिया गया। इसलिए हमारी मांग ये है कि उनको संशोधित करके जल्दी से जल्दी सभी कर्मचारियों के इसको फ़ायदा मिले, उसको लागू जल्दी से जल्दी किया जाए। कब से थी आपकी मांग? ये हमारी मांगें तो पीछे कई सालों से चल रही है, लेकिन 2018 में CM साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। 2014 से हमारी मांगें चल रही हैं कंटिन्यू। फिर हमारे 2018 में हम स्ट्राइक पे भी गए थे इसके विषय में। स्ट्राइक के बाद CM साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि इनके जल्दी से जल्दी बायलाज लागू किए जाएं और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए बोल भी दिया जाए। क्या है सर ये बायलाज? थोड़ा सर बायलाज हमारे ये सर्विस रूल हैं जो एक कर्मचारी के लिए सर्विस बुक वगैरह होती है, सर्विस नियम होते हैं। इनमें ये होता है कि कर्मचारी कब से कब तक सेवा करेगा, कब संगठन के यानी इसके यूनियन जो भी हमारा DITS है, डिस्ट्रिक्ट IT सोसाइटी, इसमें कर्मचारियों का क्या दायित्व होगा, इसके रिलेटेड बायलाज लागू किए गए। कौन से कर्मचारी हैं? परमानेंट कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी? ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं। कब से ये कर्मचारी? कोई 2000 से लगा हुआ है, कोई 98 से लगा हुआ है, कोई 2006 से लगा हुआ है, कोई 2012 से भी लगा है। ज़्यादातर कर्मचारी 20 साल हो गए उनको सर्विस करते हुए, किसी को 15 साल भी हो गए हैं, यानी इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। उनके अनाउंसमेंट के बाद भी आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, फिर आज आपने ज्ञापन सौंपा है, अगर फिर भी नहीं होती है तो कहाँ तक आप जाएंगे? तो हमारा 15 तारीख को पानीपत सम्मेलन है पूरे स्टेट का, वहाँ पे हम
BMS के साथ बातें करके उसमें निश्चित करेंगे, इसके बारे में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। कितने कर्मचारी आपके जिन डिस्ट्रिक्ट की बात करें? हमारे जिन डिस्ट्रिक्ट पूरे हरियाणा में हमारे 2500 के आसपास कर्मचारी हैं। जींद में हमारे इसमें 150 के आसपास कर्मचारी हैं। सभी आज? हाँ जी, सभी आज ज्ञापन के लिए यहाँ जींद आए हुए थे और सभी जगह काम बंद था। DC ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस, तहसील, SDM ऑफिस, सभी जगह काम बंद था। कितने बजे से कितने बजे तक रहा? ये 9 बजे से 1 बजे तक का हमारा टाइम दिया गया था। इसमें हमने पहले ही प्रशासन को सूचना भी दे दी थी। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील मेहरा है, अध्यक्ष कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ जी। सर विषय ये था कि हमारे यहाँ पे जो DITS है, जो उपायुक्त कार्यालय हैं, राजस्व विभाग के अंदर जितने भी कार्यालय आते हैं उसमें IT के विभाग के कर्मचारी काम करते हैं। उसके अंदर हर तरह का कर्मचारी है, DITS डायरेक्ट भी लगा हुआ है, आउटसोर्सिंग पे भी लगा हुआ है। तो उसके लिए ना ये संगठन हरियाणा राज्य कंप्यूटर प्रोफेशन ट्रेड यूनियन काफ़ी दिन से संघर्षरत है। उसको लेके हम स्टेट व्यापी 2 बार स्ट्राइक भी कर चुके हैं और 2018 में हमने लास्ट स्ट्राइक की थी, जिसमें 15 दिन तक हमने पंचकूला बैठे थे, जिसके अंदर सभी सेवाएं हरियाणा सरकार की ठप हो गई थी। जो उस टाइम एक प्रोग्राम चला हुआ था हरियाणा सरकार का अवार्ड का, वो अवार्ड भी डिले हो गया था IT की तरफ से। तो उसमें एक समझौता हुआ था लिखित में CM साहब की तरफ से, जो माननीय RK खुल्लर जी अधिकारी थे, जिन्होंने साइन करके एक समझौता किया था कि भाई आप लोगों के ये सर्विस रूल वगैरह बन जाएंगे। तो उनके आश्वासन पे कृष्ण वेदी जी मंत्री होते थे हमारे, उन्होंने हमारा मांग पत्र और वो जो लिखित समझौता था वो दिया और हमने अपने ऑफिसों में हम लौट आए थे। परंतु उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो CM साहब के संज्ञान में मामला आया तो CM साहब ने तुरंत प्रभाव से मीडिया के आगे, मीडिया कर्मचारी थे सारे, और पब्लिक किया कि भाई आप ही DITS के सर्विस रूल लागू करो, जारी करो आप। तो वहाँ पे CM साहब के दबाव में आने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक मॉडल ड्राफ्ट जारी किया। हमने उस मॉडल ड्राफ्ट का स्वागत किया, भाई जो भी सरकार हमें दे रही है हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। परंतु कुछ दिन तक वो अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हो पाया और सरकार ने जो मॉडल ड्राफ्ट जारी किया था उस मॉडल ड्राफ्ट को एक तरफ धरके कुछ अधिकारियों की मिली भगती, सरकार की मंशा साफ थी परंतु कुछ उच्च अधिकारियों ने एक ऐसा पेज टाइप करके भेज दिया जो सर्विस रूल के नाम पे सिर्फ एक ढकोसला है, सर्विस रूल नहीं है वो। और जो मॉडल ड्राफ्ट था उसके आसपास भी नहीं है अभी, और हमारे जो सर्विस रूल होते हैं कर्मचारी के, उसके अंदर भी सेवा नियम होते हैं, कब तक कर्मचारी रहेगा, कब रिटायर होएगा, उसकी सर्विस बुक होती है, उसकी पे स्केल होता है, काफ़ी चीज़ उसके अंदर शामिल होती हैं। मॉडल ड्राफ्ट में क्या कुछ? सर मॉडल ड्राफ्ट के अंदर मेन तो ये था कि भाई आपके जो सेवा नियम है 58 साल की अवधि तक आपकी रोजगार गारंटी है। अगर 58 साल की रोजगार गारंटी हो जाती है जिस कर्मचारी ने 20-20 साल काम कर लिया तो एक वो अपने रोजगार को सेफ समझता है जी। सर जिस प्रकार से आज आपने ज्ञापन भी दिया है जी, मांग भी रखी है, 2 बार स्टेट लेवल पे पंचायत पे प्रदर्शन भी कर चुके हैं, फिर भी अगर ये बातें आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती है तो फिर क्या करेंगे? सर जब तक हमारी ये मांगे नहीं पूरी होती, हम वैसे काम पे विश्वास करते हैं क्योंकि सब टेक्निकल आदमी हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, PGDCA वगैरह कम से कम क्वालिफिकेशन है हमारी। तो आगे हमने भविष्य में अभी DC के उपायुक्त महोदय के मार्फत सरकार को हमने नोटिस दिया है, हम ये कहना चाहते हैं कि जी हमारी सुनवाई करो, हम कुछ वो नहीं मांग रहे जो CM साहब ने बोला है, जो एक मॉडल ड्राफ्ट आपने भेजा है भाई, आपने दिखाया कुछ और दे दिया कुछ, हम सिर्फ इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जो हमें दिखाया कम से कम वही दे दो। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने इसको लेकर आज ज्ञापन दिया है और इसके बाद 15 तारीख को पानीपत में हमने सम्मेलन बुलाया है जिसमें भारतीय मजदूर संघ एक जो बड़ा संगठन है उसका वो हमारा नेतृत्व करेगा और एक पानीपत में बहुत ही उच्च लेवल की हम आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं और घोषणा भी जो आंदोलन होगा हमारा हो सकता है कि उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि पंचकूला चंडीगढ़ में फिर एक बार हम सरकार को ये दिखाएं जी हम काम करना चाहते हैं, हमारे बाइला जारी करो। अगर वो इस तरह के बाइला जारी नहीं करते हैं तो पंचकूला के प्रदर्शन के बाद हम एक बड़े स्ट्राइक अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर सकते हैं। आज जींद में किस समय से किस समय तक हुआ? सर जींद के अंदर हमने इस समय तो 1 बजे तक रखा था, अभी हो सकता है उपायुक्त मध्य कई बार का कोई प्रोग्राम ना हो, परंतु हम 9 बजे बैठे थे तो हमारा 12 बजे तक ज्ञापन का प्रोग्राम समापन हो गया है। हम पब्लिक को तंग नहीं करना चाहते, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम अपनी सेवाएँ हमने शुरू से चालू कर दी है। फिर भी मेरा नाम राजेश गौतम है, कानूनी सलाहकार जी।